गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा और आपका जो एक्टिविटी रेशो या परफॉर्मेंस रेशो मेरा कंप्लीट होता है, ये दो रेशो बच गए थे इसमें, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। और फार्मूला देखोगे तो दोनों में ही बहुत कॉमन फार्मूला है, आरएफओ। पहले फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो में क्या है, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। इसमें फिक्स एसेट्स में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, नेट फिक्स एसेट्स आती है। दूसरा आता है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट टर्नओवर रेशो में आरएफओ तो कॉमन ही हो गया, पर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, एक होती है एसेट्स अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सभी को आता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से निकालते तो क्या फार्मूला बनता है, संभव? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो क्या निकलेंगे, कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। और ये तो होती है हमारी लायबिलिटी साइड को हम लेके चलते हैं, ठीक है। एक होती है एसेट साइड को भी लेके चल सकते हो, अगर एसेट साइड को लेके चलते हैं तो बन जाता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं भोला, वेल डन, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस तरीके से आप देखते हैं, इस तरह से ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन क्रिएट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया, अब क्वेश्चंस करा देते हैं। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है 124, इसमें 128 तक हैं, दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी के तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का क्वेश्चन है 124, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 124, टीएस ग्रेवाल। इसमें नेट फिक्स एसेट दे रखी है 5 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 25 लाख, कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। ये बिल्कुल शॉर्ट्स क्वेश्चन है, इसमें आपको नेट फिक्स्ड एसेट दे रखी है 5 लाख की और आरएफओ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में सीधा फार्मूला निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पे कैलकुलेट नहीं करना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ताकि आप समझ सको। आरएफओ कितना है हमारा 25 लाख और नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी है 5 लाख, तो कितना टाइम आ गया, 5 टाइम्स, कितना आ गया 25 लाख अपॉन 5 लाख, ठीक है। चलिए ये तो बिल्कुल सिंपल था, अब थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। 125 फिक्स एसेट दे रखी है 7 लाख की, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख। जब क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो मान लेते हैं कि वो चीज माइनस नहीं होती, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स कितने की है इस क्वेश्चन में, 7 लाख की है। और इसी क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर दिया हुआ है आपको क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है आपको 17 लाख, और कैश आरएफओ दिया हुआ है 1 लाख। तो बेटा पहले तो आपको निकालना है आरएफओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है कैश प्लस क्रेडिट आरएफओ, ठीक है। कैश कितना है 1 लाख और क्रेडिट कितना है 17 लाख,
कितना हो गया ये 18 लाख। अब आपको चाहिए नेटफ्लिक्स एसेट्स, नेटफ्लिक्स एसेट्स कैसे निकालोगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे होगी, फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस किया आपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिक्स्ड एसेट्स कितने की हमारी 7 लाख माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, तो कितना हो गया ये 6 लाख। और अब हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू होगा आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, और आरएफओ कितना है हमारा 18 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी है 6, कितना आ गया 3 टाइम्स। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, दोबारा समझाना है, बोला चलिए ध्यान यहाँ रखोगे श्योर आएगा, सबको समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा एक 124 क्वेश्चन तो खैर आसान था, 125 में बस इसमें कैश और क्रेडिट दे दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 126 और 127 और एक 128। 126 क्वेश्चन में है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 2,50,000, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है 50,000, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 17 लाख, सॉरी ये क्वेश्चन अलग आ गया मेरा है, वर्किंग कैपिटल है 50,000 सही है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, और कह रहा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि COGS इज इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल्स माइनस जीपी, अभी तो COGS आता है, क्वेश्चन में COGS कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब एक ही है ये आरएफओ, और ये भी आरएफओ यही है, ये कितना दिया हुआ है 8 लाख, सेल्स पता नहीं है मेरे को, सेल्स का मतलब है आरएफओ पता नहीं है, लेकिन ये हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, तो सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा COGS प्लस जीपी, COGS प्लस जीपी, क्योंकि सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हो तो COGS आता है, अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो कितनी आ रही है, सेल्स का मतलब है आर एफ ओ, COGS कितना है 8 लाख और इस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2 लाख, तो आर एफ ओ कितना आ जाएगा 10 लाख। क्या एक फार्मूला क्लियर हुआ, ठीक है, इसमें चाहिए होता है आर एफ ओ अपॉन नेट सेल्स, ये क्या होता है आर एफ ओ अपॉन नेट सेल या सॉरी नेट फिक्स एसेट होती है, नेट फिक्स एसेट्स, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको चाहिए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट कैसे निकलेगी ये बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फार्मूले से,
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, देखो ये एसेट वाला फॉर्मूला लगाओ, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये वाला फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। और अगर मुझे फिक्स एसेट्स निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, तो फिक्स्ड एसेट्स, हाँ बिल्कुल सही आ रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल, ये जो आपका ये है इधर आ जाएगा कैपिटल, क्या करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड में, क्या होगा बताओ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस या माइनस, माइनस कितना है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 250,000 और वर्किंग कैपिटल 50,000, तो ये कितना आ गया 2,00,000, तो आरएफओ कितना है हमारा 10,00,000, आरएफओ है हमारा 10,00,000 अपॉन 2,00,000, कितना आ रहा है क्वेश्चन में 5 times, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का केवल अब 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 और 128, लगभग ऐसे ही है, करके देखना कोई डाउट्स आएगा तो मैं कराऊंगा, 5 ही क्वेश्चन थे, 3 मैंने करा दिए, 2 आप करें। अब आता है नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला जो रेशो है हमारा अब जो आता है वो नेट एसेट टर्नओवर रेशो है, बहुत ही आसान है ये भी, सेम ऐसे ही पे बेस्ड है, इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है ही, इसमें आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड करने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं इसमें, जिससे आप ये निकाल सकते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है शेयर होल्डर फंड दिए हुए आपको 20,00,000 के। अब क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, साथ में इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, तो जब ये दे रखे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, पीएस ग्रेवाल का 129 क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स फंड है आपका 20,00,000 का, इसमें आप देखो इक्विटी शेयर्स भी दे रखा है, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 10,00,000 के, रिजर्व एंड सरप्लस 10,00,000। अब आप ध्यान लगाओ, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, तो ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड में ये चीज क्या है, इंक्लूड है, तो इसको अब इसको एक्सक्लूड करना होगा, आपको ध्यान नहीं देना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड कितने हैं 20,00,000, इक्विटी शेयर कितने हैं 10, रिजर्व एंड सरप्लस 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड आपको गिवन है। और इसके बाद देखो एक दे रखा है लॉन्ग टर्म डेप्ट, 8% डिवेंचर दिए हुए, 8% डिवेंचर्स ये कितने दे रखे हैं ₹10,00,000, ठीक है, और आरएफओ दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹75,00,000, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन को समझो तभी ये सॉल्यूशन मिलेगा, आप क्वेश्चन को समझते नहीं है और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वो आंसर मैच नहीं करता। फार्मूला क्या है हमारा बताओ, आरएफओ दिया हुआ है, ये क्या कह रहा हूं मैं, नेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू होगा आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरएफओ बताओ कितना है क्वेश्चन में,
75 लाख ये तो पता है हमें। अब निकालना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू बताया था मैंने, लायबिलिटी अप्रूव लेते हैं तो क्या होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। शेयर, अब शेयर होल्डर फंड कितना है बता भाई, बोला 20 लाख, बिल्कुल सही। अब लॉन्ग टर्म डेट बता कितने हैं, लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, 7.5 लाख नहीं है ये तो 75 लाख हैं। ऊपर कितना है 10 लाख, हो जाता है दूर बैठा तो दिखने में दिक्कत होती है कई बार। तो कितना हो गया ये टोटल, 20 और 10 कितने हो गए 30 लाख। उसे और कंफ्यूज कर रहे हैं तू, फॉर्मूले में लगा दो भाई, 75 लाख अपॉन 30 लाख 2.5 टाइम्स आ गया। समझ में आ गया सबको, चलिए नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब ये एसेट्स अप्रोच पे है, करा दूं इसको या कर लोगे, कोशिश कर लेंगे। वाह, नेट एसेट्स, चलिए 131 क्वेश्चन नंबर 131 बेटा, जैसे ये लायबिलिटी अप्रोच है उसको एसेट्स अप्रोच से कराया उसने। फिक्स एसेट्स को लेना है प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तुम्हें पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स भी दिए हैं करंट लायबिलिटी माइनस कर देना, वो जाएगा नहीं होगा तो मेरे से बता देना मैं करा दूंगा। 131 देखें, फिक्स एसेट्स 10 लाख दे रखी है इसमें, फिक्स एसेट्स कितनी दे रखी है हमारी 10 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितनी है 5 लाख। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है 50 लाख, और यहां पे दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। बस क्वेश्चन में ये घुमा दिया उसने पार्ट, ये वाला 20% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन सिंपल ही है क्योंकि आपको कॉस्ट ही दे दिया और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे दे रखा है, तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ ऑन सेल दिया होता और दिया है क्वेश्चन में कॉस्ट, COGS का मतलब क्या हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे 20% ऑन कॉस्ट है तो इसे सीधा 20% निकालो हो जाएगा। अगर यहाँ ऑन सेल्स होता तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वही लेट सेल्स इक्वल टू 100 और 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 80, इस तरह से करना था। ठीक है, अभी तो फिलहाल इससे ही कर लो। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना इसी तरीके से दूसरे तरीके से भी कराता हूँ, अगर ये ऑन सेल होता तब कैसे करोगे, तो दोनों ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कॉस्ट भी और सेल भी। तो पहले फॉर्मूला बताओ क्या चाहिए, RFO, RFO कैसे होगा COGS प्लस GP, यही तो है। RFO इक्वल टू क्या होगा COGS प्लस GP, COGS कितना है 50 लाख पे 20% निकालोगे तो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख। अब मुझे बताओ RFO क्या होगा, COGS कितना आ गया 50 लाख प्लस 10 लाख ये वाला पोर्शन कितना आ गया, ये 60 लाख हो गया, RFO तो क्लियर हो गया। अब क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड तो है नहीं ना इसमें, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स एसेट्स है क्वेश्चन में देखो, वर्किंग कैपिटल भी है, तो आप क्या करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होगा फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स कितनी है की हमारी 10 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी
5 लाख तो कितना आ गया ये 15 लाख, समझ में आ गया यहां तक। अब निकालो ये वाला कौन सा रेशियो है हमारा, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, RFO क्या है, कितना है RFO 60 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा 15 लाख। अब बताओ कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स कितना आ रहा आंसर, ठीक है क्लियर है, समझ में आ गया। अब हर क्वेश्चन में यहां पे अब देखो 20% ऑन कॉस्ट की जगह ऑन सेल्स होता तब आप कैसे करते, और आपको कॉस्ट दिया है, या आप ऐसे समझो ना, यहां पे समझा दूं ऐसे समझो, देखो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल माइनस जीपी, ठीक है, और आपको कॉस्ट दे रखी है इसमें, आपको पता है अगर इसे प्रॉफिट ऑन क्या दिया होता, कॉस्ट दिया सेल दी होती, तो लेट सेल इज इक्वल टू 100 रुपए माइनस प्रॉफिट 20 रुपए, तो कॉस्ट कितनी आती 80, कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना है 20, और जब कॉस्ट कितनी है 5 लाख है, 50 लाख है सॉरी, तो प्रॉफिट कितना होता 20 अपॉन 80 इंटू 50 लाख, समझ में आया, तब इस तरह करते 20 अपॉन 80 यानी कि 1/4 सीधा 12,500, तब आता ये 12,50,000 और सेल्स आती है 62,50,000, और यहाँ 62,50,000 लिख के आंसर निकाल, क्लियर हो गया। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर है अगला 31 तो शायद मैंने करा दिया, 132 ये भी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ये भी सिंपल सिंपल से हो जाएगा, तो 133 भी आप कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होते हैं हमारे, इसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, और ये लास्ट क्लास होगी जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। और जो इस टाइम यूट्यूब पे ये वाली वीडियो देख रहा है और चैनल पे फर्स्ट बार आया है, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लिखें, और अगर आप चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाले समय में लाइव स्ट्रीम भी देखने के लिए मिलेगी, और आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और बोर्ड का टाइम आ ही रहा है तो उसमें मैं लाइव जरूर आऊँगा, वहाँ पर आपके सारे डाउट सेशन लेके चलूँगा। और थैंक यू वेरी मच, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बलूनी सर के नाम से ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।